पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की गुंडागर्दी, साबिता इखलाक की धज्जियां उड़ा दी, सोल्जर बाजार के पोलिंग स्टेशन में बैलेट बॉक्स की सील तोड़ दी, वाकये की निशानदेही सबसे पहले समाने की, इलेक्शन कमीशन ने फौरी नोटिस लिया, फिरदौस शमीम नकवी को पोलिंग स्टेशन से बेदखल करने का हुक्म दिया। फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से पोलिंग का अमल मुतासिर करने की कोशिश, पोलिंग स्टेशन में बैलेट बॉक्स की सील खोल दी, अमला रोकने की कोशिश करता रहा पर पीटीआई रहनुमा ने सुनी अनसुनी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेते हुए फिरदौस शमीम नकवी को पोलिंग स्टेशन से बेदखल करने का हुक्म दे दिया, कहा यह गैर कानूनी हरकत और ज़ाब्ता इखलाक की संगीन खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने भी तहरीके इंसाफ के रहनुमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अनफॉर्चुनेटली टीवी पे फुटेज चले के पीटीआई के एक लीडर साहब जो है वो बैलेट बॉक्स की सील खोल रहे हैं, जिसको अपने गवर्नमेंट ने सख्ती से नोटिस लिया है, लेकिन इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। आप अपनी पोजीशन का कोई गलत इस्तेमाल करके इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन से अवॉइड करना चाहिए। फिरदौस शमीम नकवी ने सोल्जर बाजार यूसी वार्ड 4 में बैलेट बॉक्स की सील तोड़कर पोलिंग अमल मुतासर करने की कोशिश की थी। वीडियो वायरल होने पर सबसे पहले सामान्य खबर ब्रेक की थी।